तो सर आपका नाम क्या है? नाजिमुद्दीन। नाजिमुद्दीन, तो सर जो ये आपकी जो वेज अप्पे भाई जी अप्पे वाली जो शॉप है, ये आप कितने साल से चला रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। तो इससे पहले भी आप कोई काम करते थे? सबसे पहले हमारा अगरबत्ती का काम था। अच्छा, उसके बाद में फिर इसमें स्टूडियो करा गया। स्टूडियो चल नहीं पाया तो फिर लड़का हमारा जो है जयपुर चला गया। किसी के घर पे जाके उसने ये डिश खाई, उसको अच्छी लगी, उसने ला के हमें यहाँ खिलाया। अच्छा, मतलब कि वहाँ जाके उसने वो डिश टेस्ट करी, वो भी किसी के घर पे, मतलब किसी शॉप पे भी नहीं खाई थी? हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद वो आपको उसने टेस्ट कराई तो आपको भी बहुत अच्छी लगी? हाँ सर, मुझे भी अच्छी लगी वो। तो आपको आइडिया ये वहाँ से आया इस शॉप को ओपन करने का? जी जी जी। सुबह साहब एंड यू आर वॉचिंग द फूडी बॉय शो। और आज फिर से हम लाल बंगला मार्केट में ही हैं और आज हम जा रहे हैं भाई जी अप्पे वाले का रिव्यू करने, जो कि लाल बंगले में ही है। और ये सिर्फ एक लौते अप्पे वाले हैं जो कि सिर्फ अप्पे बेचते हैं और पूरे लाल बंगले में इनके अलावा कोई नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कानपुर में कोई नहीं है। तो वेट देर ना करते हुए हम शॉप की तरफ ही बढ़ते हैं। शॉप पे आ चुके हैं भाई जी अप्पे वालों की, और जी लाल बंगले में जो मार्केट है चंदेल मार्केट, इसमें ये शॉप है और शॉप के ऑनर हमारे सामने हैं। हेलो सर। सर आपका नेम क्या है? नाजिमुद्दीन। ओके, नाजिमुद्दीन सर। तो सर ये जो शॉप है आप कितने सालों से चला रहे हैं? 7 साल से। 7 ईयर्स से। और मतलब अप्पे के अलावा आप इस अलावा कुछ और भी यहाँ रखते हैं कि सिर्फ अप्पे के करके आपकी शॉप फेमस है? नहीं, अप्पे भी रखते हैं। मेरा चीज़ स्प्रिंग रोल है, मोमोज है, फिंगर हैं और ग्रेवी मोमोज हैं, ग्रेवी अप्पे हैं, ग्रेवी चीज़ है। और अंकल आपके मतलब शॉप की जो सबसे टॉप जो डिश है वो क्या रेट है, मतलब सबसे हाईएस्ट रेट जो आपका चल रहा है इस टाइम कितना होगा? वो हमारा 80 रुपये है। अच्छा, मतलब 100 रुपीज़ के अंडर आप चला रहे हैं और आपका टोटल जो डिशेज है वो 80 से अब गई नहीं अभी तक? नहीं नहीं, 80 रुपये से ज़्यादा। तो गाइस सोचिए कि इस टाइम मतलब इतनी महंगाई में भी ऐसी शॉप्स भी हैं जो 100 रुपीज़ के अंदर आपको इतना टेस्टी और हेल्दी मतलब स्नैक्स अवेलेबल करा रही हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में यही स्नैक आपको 200-250 रुपये में अवेलेबल होता है। तो गाइस वहाँ ना जाके अगर हम इन शॉप्स पे आएँ तो हमें मतलब काफ़ी इनकी भी हेल्प होगी और हमें भी अच्छा और हेल्दी खाने को मिलेगा। तो हम लोग भी उसी इन जैसे और बिजनेसमैन को भी प्रमोट कर रहे हैं जो कि छोटी छोटी शॉप चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा और हेल्दी स्नैक और फूड स्टफ जो अवेलेबल करा रहे हैं। तो हम देर ना करते हुए अब टेस्ट करते हैं अप्पे और बताते हैं इसका रिव्यू, और कुछ रिव्यूज़ हम इनके कस्टमर्स का भी लेंगे कि कैसे लगे इनके अप्पे और जो इनके बैक टू बैक कस्टमर्स हैं। ओके, थैंक यू। सामने दोनों डिशेज़ आ चुकी हैं, लाइक ये फ्राइड अप्पे हैं और ये ग्रेवी वाले अप्पे हैं, और अभी हम टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेवी वाले ट्राई करते हैं। ग्रेवी वाले जो अप्पे हैं उनका स्वाद काफ़ी मतलब क्रीमी टाइप का है और काफ़ी अच्छे मतलब हैं। उसके अंदर में भी शायद स्टफ़ जो है वो कैबेज है और भी कई सारे वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, और इसमें मेयोनीज का भी काफ़ी यूज़ किया गया है जिसका जो टेस्ट काफ़ी क्रीमी बना देता है। ओवरऑल मतलब जो ग्रेवी वाले अप्पे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और हम ट्राई करते हैं फ्राइड वाले। जो फ्राइड वाले हैं काफ़ी क्रंची हैं, इनका जो आउटर जो पार्ट है, आउटर जो लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी है और सॉस के साथ काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। ओवरऑल जो दोनों डिशेज़ हैं मैं इनको 5 out of 5 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे डिशेज़ जो कि हेल्थी होने के साथ साथ जो टेस्टी भी हो बहुत ही मुश्किल होती हैं मार्केट में मिलना, क्योंकि हम जो बर्गर्स और जो नूडल्स वगैरह खाते हैं वो टेस्ट में तो अच्छे होते हैं मगर वो हमें मतलब कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर करते हैं। बाकी जो ये हैं ये सूजी से ही बने हुए हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं यूज़ की गई है, इसे खाने से हमें कोई भी हार्मफुल मतलब लाइक पेट ख़राब होना या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी ओवरऑल इन डिशेज को मेरा 5 out of 5 रेटिंग है। और आप कैसा देते हैं, अगर आप जोमेटो पर ऑर्डर करते हैं तो उस पर भी इनका रिव्यू आता है, आप उस पर भी डालिए कि आपको कैसा लगा, जिससे इनकी रेटिंग बढ़े और इनको बिजनेस मिले। थैंक यू सो मच और हमारी वीडियो देखने के लिए। हम शॉप पे आ चुके हैं और कुछ पुराने कस्टमर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, अभी जो रोटी जो
अप्पे खाने स्पेशल आए हुए हैं, तो हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो कि अप्पे से रिलेटेड होगा और टाइम से यहाँ आए। सर आपका इसमें काफ़ी का रिव्यू है। देखिए क्या है कि अप्पे जो है वो मार्केट में केवल यहीं पर बिकता है, पिछले शायद आप ही नहीं, मैं कब से आ रहा हूँ, मुझे लगता है 7-8 साल हो गए होंगे मुझे आते आते। 7-8 साल हो गए? कितने हो गए? पहले मैं सिंगल था तो आता था फ्रेंड्स के साथ, शादी हो गई तो भी शादी के बाद भी आता हूँ, अभी फ्रेंड्स के साथ आता हूँ, तो हफ्ते में 2-3 बार मेरा आना होता है। मतलब क्या उनके हार्डकोर फैंस हैं जो आपका आते रहते हैं? हार्डकोर फैन भी इसको आप कह सकते हैं, प्लस सबसे पहले टेस्ट, जिनका टेस्ट है वो पहली बात तो जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं, और जो टेस्ट है वो पिछले जो 7 साल से वो बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट अभी तक बरकरार है। तो जब आपको टेस्ट एक अच्छा मिलता है तो फिर आप कहीं जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ना ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो भाभी जी आपको कैसा लगता है इसका टेस्ट? मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब से इनके साथ आना शुरू किया तब से इनका जो भी वो था चीज़ वाला जो इनका रोल है वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का, आपने ट्राई किया बहुत अच्छा सब मतलब साफ सुथरा भी है। आप देखिए मतलब ये भी नहीं कि कुछ ऐसा इशू भी है, आपका हर चीज़ मतलब इग्नोर कर भी है चीज़ों को और साफ सुथरा भी है, ये नहीं कि मतलब कोई क्लास है ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्राइस तो सबसे मेन रहता है, कोई भी है वो कम होता है ज़्यादा, लेकिन टेस्ट के हिसाब से प्राइस है वो अच्छा है। आप बाहर जाइए मार्केट में, आपको पहले था इतना ख़राब प्राइस मिलेगा आपको, तो उसके बाद मतलब प्राइस ज़्यादा मिलेगा टेस्ट बहुत बेकार मिलेगा, तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर इतना अच्छा मैं तो कई बार दरख्वास्त भी किया उसको प्राइस बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, अंकल कहते हैं कि नहीं चले दो। बताइए कि कस्टमर से हमसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप प्राइस बढ़ाइए, फिर भी अंकल अभी भी रीजनेबल रेट्स पे हमें इतना अच्छा स्नैक जो है अवेलेबल करा रहे हैं। तो गाइज मैं चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ आएँ और आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे मैं भी यही जो कस्टमर है जो कानपुर से है या लाल बंगले के आसपास जो भी इस एरिया से कोशिश करके आएँ और इसको टेस्ट करें और देखें कि ये भी एक चीज़ मार्केट में है जो शायद आपसे भी दूर है, इसको आप ले सकते हैं यूज़ कीजिए और अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी। जोमेटो स्विगी अवेलेबल है? हाँ जोमेटो स्विगी के अवेलेबल, लेकिन यहाँ आएंगे तो कुछ वैरायटी अच्छी देखेंगे, लाल बंगले का माहौल अच्छा आपको लगेगा, तो जोमेटो स्विगी में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो कुछ नई चीज़ें देखेंगे अच्छी लगेंगी। तो सर का काफ़ी व्यू काफ़ी अच्छा रहा और हम चाहेंगे कि आप भी यहाँ आएँ और आपका भी व्यू ऐसा ही रहे, और सर के लिए हमें बहुत मतलब रिगार्ड से इसके रिगार्डिंग के, और इनका बिजनेस बढ़े और रेट सर बढ़ाएँ, उनके काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं। बाकी ये स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है ही, उनके अंडर 100 रुपीज़ में आप सब सबकी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ होती है और उसके अंडर अच्छा स्नैक मिलना बहुत ही मुश्किल होता है आज के टाइम पे। तो आप यहाँ आ सकते हैं और अच्छा अच्छा मतलब स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं, लाइक चीज़ रोल वगैरह एक्स्ट्रा, और भी इनके पास वैराइटीज़ हैं, यहाँ पे रेट्स वगैरह चार्ट लगे हुए हैं, कैमरा जब आएंगे तो देखने को मिलेंगे आपको रेट्स वगैरह भी। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।